महानगर के पंडित नगला में स्थित दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल में प्राकृतिक आपदा क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके कारण और समाधान के बारे में मॉक ड्रिल और सेमिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक रूप से अचानक होने वाली कोई घटना जैसे बाढ़ आना, भूस्खलन होना, आंधी आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, ग्लेशियर का पिघलना आदि प्राकृतिक आपदा कहलाती है। ये जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। उन्हें बताया गया कि हमारे वैज्ञानिक काफी हद तक इन घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सफल रहे हैं, लेकिन घटना कितनी बड़ी होने वाली है, इसका सही सही भौगोलिक स्थिति क्या होगी, इन सभी का एकदम सही पूर्वानुमान लगाना आज भी संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि हमें आज भी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है। प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी आपदा से पूर्व यदि हम सतर्क रहें तो काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए स्कूल में किसी भी आपदा से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत अचानक एक सायरन बजाया गया, जिसके बाद एवैक्यूएशन प्लान के मुताबिक किस कक्षा के बच्चों एवं टीचर को आपदा के समय अपना बचाव करते हुए कैसे और किधर से नीचे खुले स्थान पर आना है, इसकी प्रैक्टिस कराई गई। स्कूल के डायरेक्टर विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी ने बच्चों को संबोधित करते हुए इस विषय पर जानकारी दी। इंसिडेंट अगर होता है बिल्डिंग के अंदर तो 3 मिनट के अंदर आपको इवैक्यूएट करना है, बिल्डिंग से बाहर निकल के आ जाना है। तो और आसपास की जो बच्चे हैं उन्हें एक दूसरे की मदद करनी है और बिल्डिंग को जल्दी से छोड़ के बाहर ग्राउंड में आना है, ओपन स्पेस पे, ताकि हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। तो अब से ही मॉक ड्रिल हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे एवरी मंथ, और जैसे ही सायरन आप सुनेंगे आपको सारे काम छोड़ के टीचर्स बच्चे स्टाफ सब एक्सरसाइज के लिए बाहर आ जाएंगे। और इसको अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो कभी भी इनकी सब इमरजेंसी हमारा प्लान रेडी होगा। बिल्डिंग में चारों तरफ इवैक्यूएशन प्लान लगे हैं कि किस रूट से आपको बाहर निकल के आना है, और कोशिश ये करनी है कि एक दूसरे की मदद करनी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी अपने भारतीय वायुसेना के अनुभवों को हमेशा बच्चों के साथ शेयर करते रहते हैं और उनको हमेशा जीवन के वास्तविक पहलुओं से अवगत कराते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को शुरू से ही अनुशासन, कड़ी मेहनत, पक्की निष्ठा और आत्मविश्वास का निरंतर प्रशिक्षण देते रहना चाहिए, भविष्य का सही प्रकार से निर्माण किया जा सकता है। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य मुनीरा सिद्दीकी ने सभी बच्चों को मॉक ड्रिल में प्रतिभाग करने की प्रशंसा की और उनका मनोबल बढ़ाया और आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले स्टाफ के कार्य की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में जितेंद्र प्रकाश, मोई सिद्दीकी, आरिस, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद शाफे, अरीब, रवीना, नायला, नवा, आयुष, नीना सहित समस्त स्टाफ का योगदान रहा। आज जो हमने स्कूल में एक्टिविटी की है ये बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। हम बच्चों को एक मॉक ड्रिल कराते हैं और उनको समझाते हैं, सिखाते हैं कि कभी भी कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि आपको सडनली या तो जैसे भूकंप आ जाता है या कुछ कोई आधी तूफान आता है, उस स्थिति में बच्चों को जल्दी से जल्दी बिल्डिंग को खाली करके अपने आप को सेफ स्थान पर लेके जाना होता है। तो ये हम ड्रिल एक कराते हैं जिसमें हम सायरन बजा के बच्चों को ये उनके अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं कि कौन कौन से फ्लोर का बच्चा किस रास्ते से बाहर आएगा और वो अपनी पोजीशन कहाँ पर लेगा, तो हम उनको ये सिखा रहे थे। तो इसमें हमने उनको पहले से समझा दिया था कि किसी भी समय ये सायरन बज सकता है, तो अब आपको उस समय कैसे बिहेव करना है। तो ये एकदम बताई हुई मॉक ड्रिल है क्योंकि इसमें हम ये सस्पेंस तो रखते ही हैं कि पता नहीं ये सायरन किस समय बज जाए। देखिए, जैसे कि हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि जो भी इस तरह की हम एक्टिविटीज़ कराते हैं इसमें हमारा उद्देश्य एक यही होता है कि बच्चे जो हैं खाली किताबों के अलावा इस चीज़ को भी समझें कि जीवन में और किन किन चीज़ों का महत्व होता है और उनको अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से हम जैसे यातायात के नियम हैं, यातायात के पालन करने के उद्देश्य से भी सेमिनार करते हैं बच्चों को, उसमें भी पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, उनको भी बात करते हैं। आज भी जैसे हमने ये एक्टिविटी कराई है तो उनसे बोला है हमने कि वो अपने घरों में जाकर अपने पेरेंट्स से भी इसका डिस्कस करें और उनको बताएं कि कभी घर में रहते हुए इस तरह की स्थिति आती है तो उनको कैसे बिहेव करना है। बाकी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूलों में भी
इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और बच्चों को इस पे बहुत अच्छे से वो समझ जाते हैं आराम से मॉक ड्रिल करने से, और उनको ये बात ध्यान रहती है कि कभी अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें कैसे बिहेव करना है। सर, कुछ बच्चे स्कूल के लिए बाइक से जाते हैं बिना हेलमेट के लेकर जाते हैं, उन लोगों के लिए अदरवाइज स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, ये भी क्योंकि यातायात के ऊपर नहीं था सेमिनार, लेकिन अगर हम जैसे यातायात पे बीच बीच में बताते हैं, असेंबलीज में भी बताते हैं कि बच्चों को ये माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चों को इस तरह से बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ना दें, टू व्हीलर्स भी ना दें, और अगर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा है तो वो ख़ुद भी इस बात का ध्यान रखें, पेरेंट्स भी, क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं माँ बाप को देखकर ही आगे चलते हैं, तो वो भी ध्यान रखें और बच्चों को भी ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा टू व्हीलर्स में बिना हेलमेट के ना चले, उसका साथी जो पीछे बैठा हुआ है वो भी बिना हेलमेट के ना हो। अब क्योंकि शहर में पूरे में रेड लाइट्स लग गई, मुरादाबाद शहर स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, तो इसको उनको भी पालन करना चाहिए, रेड लाइट पर आगे जंप करके नहीं जाना है और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि वो बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में बताएं और ख़ुद भी पालें।